शुक्रवार की शाम शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में भव्य आयोजन के साथ गोरखपुर महोत्सव 2019 का मुख्य अतिथि टीए वर्गीस द्वारा प्रार्थना के साथ उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि का महोत्सव के आयोजक रेव डी आर लाल द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। पूरे मंडल व स्थानीय करिशिया से आए मसीही विश्वासियों का मुख्य अतिथि द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। वहीं आए हुए श्रद्धालुओं के लिए हेल्प डेस्क तथा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान मंडल तथा स्थानीय कलीसियाओं द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चरणों में एक से बढ़कर एक गीत व भजन निवेदित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबिल से आमोस नामक पुस्तक के 8-11 पद पढ़कर परमेश्वर यहोवा की वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु युवा के वचनों की भूख प्यास होगी पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर डीन ऑफ गोरखपुर रेव अजीत लॉरेंस, रेव रोशन लाल, रेव संजय विसेंट, एजेस रैमसन, एम वी के मैंसी, ज्वेल इमैनुअल, अमर जय सिंह, डॉक्टर सपन लॉरेंस, प्रीतम गवाली, पास्टर ए के चार्ल्स, पास्टर बेनी चार्ज, पास्टर एनी चार्ज, क्राइस्ट के पास्टर कमेटी के सदस्य आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महोत्सव के आयोजक रेव डी आर लाल ने कहा, परमेश्वर आपने हमें दिया है कि आज पिता परमेश्वर इस गोरखपुर आशीष महोत्सव में सभी आपके दास दासियां यहां पर उपस्थित हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आज के इस महोत्सव को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भी हम सब यहां पर मौजूद हैं, हम में से हर एक को पिता परमेश्वर अपनी वचन
उनके द्वारा अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबको आशीषित कर और आज के कार्यक्रम को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर जो हमारे आदरणीय पादरी डियर लाल हैं प्रभु उनके भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आज के वक्ता को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और सारे क्वायर को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भी कार्यक्रम प्रभु यहाँ पर होने वाला है प्रभु हम सभी को आपके चरणों के पास लाते हैं। पिता परमेश्वर हम सबको अपने पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर भर दें कि आज पिता परमेश्वर जबकि हम यहाँ पर आए हैं तमाम विभिन्न जगहों से पिता परमेश्वर उपस्थित हैं हम आपसे आशीष को लेकर जाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर खास तौर से जो पिता परमेश्वर बीमार लाचार हैं वो भी इस उम्मीद के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं कि जितने भी यहाँ पर कमजोर हैं लाचार हैं यहाँ पर आपके उस आशा के साथ पिता परमेश्वर उपस्थित हैं। हम आपसे दुआ करते हैं सभी पिता परमेश्वर इस महोत्सव के द्वारा पिता परमेश्वर तमाम आशीषों को लेकर प्रभु जी अपने घरों में जाएं। मेरा नाम रेवरेंड डी आर लाल है और मैं इस सबसे प्राचीन चर्च गोरखपुर का जो है क्राइस्ट चर्च जो कि शहर के केंद्र बिंदु पर स्थापित है इसे अक्सर लोग सेंट एंड्रूज के बगल में होने के नाते सेंट एंड्रूज चर्च भी बोलते हैं लेकिन सेंट एंड्रूज चर्च नहीं है। इसका नाम है क्राइस्ट चर्च और यहाँ का मैं प्रभारी पुरोहित हूँ। देखिए ऐसा है ये हमारी पारंपरिक आराधना सभा है। जब हम गोरखपुर और आसपास के जितने चर्चेज हैं जितने जिले हैं जितनी तहसीलें हैं वहाँ से सामूहिक रूप से मिला के सबको बुला के जो हम इस आराधना को करते हैं तो इसे हम गोरखपुर आशीष महोत्सव का नाम देते हैं। गोरखपुर आशीष महोत्सव का अर्थ यह है कि हम सारे गोरखपुर के लिए वो जितने भी गोरखपुर के और आसपास के जिलों के वासी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि इस सारे क्षेत्र में जो हमारा रीजन है उस सारे रीजन में परमेश्वर के द्वारा अमन शांति प्रेम और सौहार्द का वातावरण सारे जनता के अंदर पाया जाए इसके लिए हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तमाम बीमारों के लिए कि परमेश्वर उनके पूरा अनुग्रह करे उनको चंगाई दे और हम साथ ही साथ परमेश्वर के भक्ति के गीतों को मिलकर गाते हैं और उसके साथ ही साथ हम परमेश्वर के वचन को सुनाने का समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम बाहर से वक्तागण को बुलाते हैं ताकि सबसे पहले जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उनके अंदर एक आत्मिक जागृत पैदा हो वो बाइबल के वचन को बाइबल के कथन को जो परमेश्वर का जीवित वचन है उसको समझ सके उसके अनुसार आचरण कर सके और हमारा जीवन शांति और आनंद पूर्वक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ता जाए हमारा यही ध्येय है।